नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, गैसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो साइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पूरे वीडियो में छोटा सा वीडियो है ये, और इसमें जितनी भी गैसेस को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी गैसेस इसमें कवर करेंगे, स्टेट, पीसीएस, एसएससी और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले तो एलपीजी जो घरों में यूज होती है उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन होती है मेन गैस उसमें, प्लस इथेन का भी कुछ प्रपोर्शन होता है। टीयर गैस क्या होती है? टीयर गैस अमोनिया को बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गैस विद फाउल स्मेल कौन सी है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। गैस जो यूज होती है रेफ्रिजरेशन में और एसी में उसको बोलते हैं फ्रियॉन, और फ्रियॉन का जो पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन है, ये डाइफ्लोरो है यहाँ पे। उसके बाद देखें अगर आप तो गोबर गैस जो बायोगैस में जनरली यूज होती है वो मेनली क्या होती है? मिथेन होती है। मिथेन प्लस सीओ टू प्लस ये हाइड्रोजन। गैस को अगर आप ऑक्सीजन से मिक्स करके और जो पेशेंट को गैस दी जाती है ये गैस होती है हीलियम गैस। एक जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है व्हीकल पोल्यूशन की वजह से वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। गैस जो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन एयर फॉर्मेशन हो जाती है जब ये कंजेशन हो जाता है ट्रैफिक में, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पे। मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट है जो थर्मल पावर स्टेशन के आसपास पाया जाता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस में मेनली मिथेन होती है, प्लस कुछ प्रपोर्शन होता है इथेन प्लस प्रोपेन का, और प्लस अदर गैसेस होती है जैसे सीओ टू के छोटे छोटे प्रपोर्शन होते हैं, सीओ टू एंड ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्मेलिंग सब्सटेंस ऐड करते हैं एलपीजी में वो है इथाइल मरकैप्टन। देखिए इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि एलपीजी में जो गैस होती है वो तो ऑडरलेस होती है, उसका कोई आपको स्मेल नहीं आ सकती है, तो इसलिए इसको करते हैं कि इसकी इथाइल मरकैप्टन की स्मेल आ जाए और आपकी गैस लीक कर रही है ये पता चिल जाए। गैस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसलिए इनके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, वियना कन्वेंशन भी हुआ था इसके लिए, तो ये दोनों ये इसीलिए हुए थे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको रोका जाए। लेकिन इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इतना यूज होने लगा उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, और अभी एक किगाली एग्रीमेंट हुआ है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए हुआ है। गैस जो यूज करते हैं आप आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में वो है इथाइलीन या फिर इथीन, ठीक है, एसिटिलीन नहीं है यहाँ पे, एसिटिलीन को भी यूज कर सकते हैं। हालांकि देखिए करेक्ट आंसर है इसका इथाइलीन या इथीन, लेकिन कई बार जो कैल्शियम कार्बाइड को यूज करते हैं कुछ कंट्रीज में राइपनिंग के लिए, तो उसकी वजह से एक एसिटिलीन गैस निकलती है जो जिसकी की मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये भी ये आर्टिफिशियल राइपनिंग कर सकती है। नेचुरल जो राइपनिंग एजेंट है वो इथाइलीन है या इथिलीन है। फिर ये गैस जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं ज्यादातर आर्गन यूज करते हैं, ये नाइट्रोजन भी कुछ में यूज करते हैं, जितनी भी इनर्ट गैसेज होती है वो यूज करते हैं। मतलब जो गैस यूज होती है फ्लोरोसेंट लैम्प में वो है मरकरी वेपर, और इसमें एक फ्लोरोसेंट लैम्प में यूज होती है, प्लस ये गैस है लो प्रेशर मरकरी वेपर में यूज होती है आर्गन, जेनॉन। गैस जो मार्स गैस होती है वो है मिथेन, और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है अर्थ के एटमोसफियर में वो है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आती है आर्गन, फोर्थ नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। गैस जो पूरी दुनिया में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, हैवीएस्ट गैस है रेडॉन, टियर गैस है अमोनिया, मिथेन गैस है मार्स गैस है मिथेन, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, और डेंटल एनेस्थीसिया के लिए गैस यूज होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड को सीओ फ्लोरीन के साथ फ्लोरेन के साथ मिला के देते हैं डेंटल एनेस्थीसिया करने के लिए। तो गैस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये स्टेट पीसीएस एसएससी और बाकी जितने भी एग्जाम है इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, ये पूरा सभी की समरी है एक जगह। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिए।